जैसा कि आपको पता है कि टीवी इंडस्ट्री के इंटरेस्टिंग पारिवारिक शो में जब अजीबोगरीब मोड और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आते हैं तो शो की टीआरपी हमेशा बढ़ती ही रहती है। लेकिन जब छोटे पर्दे के सीरियल में तलाक वाले दौर को दिखाया जाता है तो सीरियल की टीआरपी एकदम टॉप पर जाकर बैठ जाती है, जिसकी वजह से शो भी काफी सुपर डुपर हिट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि टीवी इंडस्ट्री के तलाक वाले दौर के एपिसोड किस किस सीरियल में दिखाए गए थे, जिसकी वजह से उन सीरियलों ने अपने तलाक वाले दौर की वजह से टीआरपी के हाई लेवल को टच किया था और अपने सीरियल को भी फेमस किया था। तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको टीवी के उन सीरियलों से रूबरू कराने वाले हैं जिसमें तलाक के दौर आने पर उन सीरियलों की बढ़ी थी टीआरपी और वो सीरियल सुपर हिट भी साबित हुए। तो चलिए एक एक करके जानते हैं इन सीरियल के बारे में। नंबर एक, प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा। पंखुड़ी और आदित्य की मिलने जुलने और बिछड़ने की कहानी तो शो में हमेशा ही टीआरपी और बज क्रिएट करती थी, लेकिन तलाक वाले एपिसोड ने तो इस सीरियल को इतना ज्यादा फेमस कर दिया कि आज भी सीरियल के खत्म होने के बाद उस तलाक वाले ट्विस्ट को याद किया जाता है। नंबर दो, ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस का फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कार्तिक और नायरा के बीच में बड़ी लड़ाई झगड़ों ने कई बार तलाक जैसी लीगल प्रोसेस को बीच में लाने की कोशिश की थी और जैसे ही इस तरह का बिछड़ने वाला एपिसोड दर्शक देखते तो तुरंत इस शो की टीआरपी में बहुत बड़ा उछाल आता, जिसकी वजह से सीरियल का हर एपिसोड सुपर डुपर हिट रहा था। नंबर तीन, इस प्यार को क्या नाम दो। अर्णव और खुशी के बीच में कई ऐसे मौके आए जब इन दोनों को अलग करने के लिए बहुत सारे लोगों ने जाल बिछाए, लेकिन ये फिर भी तलाक जैसे बड़े कदम को लेने के लिए नहीं माने। मगर इनके बीच की दूरियां देखकर दर्शक शो में तलाक जैसे बड़े ट्विस्ट के लिए एक्साइटेड रहते थे। हालांकि न ऐसा होने पर शो ने पूरे 2 साल तक टीवी पर अपनी थाक जमाई। नंबर चार, दिया और बाती हम। जी हाँ, दिया और बाती हम सीरियल स्टार प्लस का सबसे हाई रेटेड शो रहा है, जिसमें साइड कैरेक्टर मीना और विक्रम के बीच में जवानबन हुई थी तो विक्रम ने मीना को तलाक देने की हिमाकत कर डाली और इस एपिसोड ने अकेले ही इतना सारा पैसा कमाया जिसकी वजह से तलाक वाला एपिसोड काफी पॉपुलर हुआ। नंबर पाँच, साथ निभाना साथिया वन। भला साथ निभाना साथिया सीरियल में गोपी और अहम का बिछड़ना किसे रास आया था। जिन्होंने शो में तलाक तो नहीं लिया लेकिन हाँ, तलाक शुदा जिंदगी जरूर जी थी और जब गोपी और अहम का ये जुदाई वाला एपिसोड पूरे 3-4 दिन तक चला तो शो की टीआरपी रेटिंग टॉप पर हो गई। नंबर छह, बालिका वधू सीजन वन। आपको पॉपुलर सीरियल बालिका वधू तो याद ही होगा, जिसके एपिसोड जगिया अपनी मनमर्जी से अपनी पत्नी आनंदी को तलाक देकर किसी और दूसरी लड़की के साथ सेटल हो गया था और यही बिछड़ने वाला एपिसोड कलर्स टीवी का सबसे बड़े टीआरपी वाला एपिसोड बना, जिसका रिकॉर्ड अभी तक कलर्स टीवी के किसी भी सीरियल के दूसरे एपिसोड ने नहीं तोड़ा। इसलिए तो आज भी बालिका वधू सीरियल को जबरदस्त याद किया जाता है। नंबर सात, सरस्वती चंद्र। स्टार प्लस का एक समय का पॉपुलर सीरियल सरस्वती चंद्र में जब कुमुद अपने पति सरस्वती चंद्र से दूर होकर तलाक चाहती थी तब इस शो ने घर घर में पूरे 1 हफ्ते तक काफी थ्रिल और सस्पेंस बनाकर रखा था, जहां पर दर्शक सरस्वती और कुमुद के अलग होने वाले एपिसोड को देखने के लिए अपना खाना पीना तक छोड़ देते थे और यही वजह है कि शो में जब तक स्टार प्लस पर अपनी प्रेजेंस बनाकर रखी तब तक ये हिट रहा। नंबर आठ, ससुराल सिमर का सीजन टू। जी हाँ दोस्तों, अब ओसवाल परिवार में सिमर नारायण ने बहू बनकर एंट्री की थी तो गीतांजलि देवी ने आरव को बहुत मजबूर किया था अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए, पर आरव ने अपनी पत्नी सिमर को तलाक नहीं दिया और इसी तलाक वाले एपिसोड ने इतनी ज्यादा टीआरपी बटोरी कि सीरियल को न्यू ऑडियंस के साथ साथ अच्छा खासा नेम और फेम भी हासिल हुआ। नंबर नौ, अनुपमा। दोस्तों, जब शो अनुपमा में काव्या और उसके पहले हस्बैंड अनिरुद्ध के बीच में तलाक दिखाया गया तो वनराज ही नहीं बल्कि दर्शक भी इस चीज को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो गए और इसी की वजह से शो को स्टार प्लस का हाई रेटेड शो माना गया। पर जब अनुपमा और वनराज के बीच में भी डाइवोर्स की बातचीत फाइनल हुई तो दर्शक इस शो को इतना ज्यादा पसंद करने लगे कि अनुपमा सीरियल को स्टार प्लस पर नंबर वन की पोजीशन मिल गई। नंबर दस, उडारिया। जैसे कि आपको पता है कि उडारिया सीरियल में तेजो और जैस्मिन दोनों ही फतह के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। जहां फतह जैस्मिन से प्यार करता है तो वहीं जैस्मिन तेजो से नफरत करती है और ऐसे में सीरियल में जब फतह का तेजो से तलाक का सीन शूट हुआ तभी से ये सीरियल की पॉपुलैरिटी में काफी लंबा उछाल आया, जिसकी वजह से शो की रेटिंग भी काफी हाई हो गई और कहीं ना कहीं इसी की वजह से सीरियल को कलर्स टीवी पर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। तो दोस्तों, इन सभी सीरियल में से आपका पसंदीदा सीरियल कौन सा रहा है, आप हमें उसका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और मजेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।